नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों मुसेंडा रेड के बारे में और उसका प्रोपागेशन के बारे में और कटिंग से उसे मैं कैसे लगाऊंगा इसके बारे में। दोस्तों ये देखिए, पहले आपको जान लेना है ये दो वेराइटी है। पहला वाला जो देख रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव है। ये दोस्तों मैं नर्सरी से लाया था लेकिन ये बचा नहीं। ये मेरा पुराना वीडियो का क्लिप है, वहाँ से दिखा रहा हूँ और बहुत प्यारा दिखता है। रेड कलर बहुत रेयर होता है, पिंक बहुत आसानी से मिल जाता है दोस्तों और पिंक बच भी जाता है। और ये बहुत सेंसिटिव है दोस्तों, इसे इनडायरेक्ट लाइट या फिर मॉर्निंग का सनलाइट में देना चाहिए। ये 170 रुपीज़ में मिला था मुझे और देखिए सेंटर से इसका येलो कलर का ऐसा स्टार आता है। ये पौधा स्टेम कटिंग से नहीं बनता है दोस्तों और ग्राफ्ट से ही बनता है और ग्राफ्ट एरिया नीचे रहता है। लेकिन आज जो वैरायटी मैं दिखा रहा हूँ ये देखिए, यहाँ पे इसका ग्राफ्ट एरिया है और यहाँ पे देखिए ऐसे इसे ग्राफ्ट करके बनाए हैं। नीचे वाला जंगली है और ऊपर का जो है ये आपका रेड वाला है। और प्रोपागेशन इसका बहुत मुश्किल है दोस्तों, इसीलिए कॉस्टली आता है थोड़ा। और इसे बचाना भी कोई आसान बात नहीं है, टॉप जॉब है दोस्तों। ये ऊपर वाला बचेगा तो ठीक है, जंगली अगर आपका ग्रोथ करता है तो उसे आप काट देना चाहिए। और प्लांट बूसी होने पर लाल कलर में बहुत प्यारा प्यारा फूल देता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए और एक वैरायटी में दिखा रहा हूँ, ये भी रेड है लेकिन ये डिफरेंट है दोस्तों। उसके मुकाबले कम फ्लावरिंग करेगा लेकिन बहुत बढ़िया फूल रहता है इसका भी। देखिए इसका मैं कटिंग लाया हूँ फ्रेंड के घर से और एक हार्ड कटिंग है और तीन टाइप का कटिंग मैं लगाऊँगा और यहाँ से एक काटूँगा दोस्तों, सब कटिंग लूँगा और थोड़ा सेमी हार्ड लूँगा। या इसका फूल देखिए, ये भी लाल होता है लेकिन थोड़ा कम खिलता है और इसका स्टार जो आता है ये लाइट येलो में रहता है दोस्तों। ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं, बहुत लोग सेम समझते हैं। ये थोड़ा हड्डी है दोस्तों और ये कटिंग से भी बन जाएगा, मैं रूट हॉर्मोन का यूज करूँगा। और यहाँ पर देखिए अभी फूल आना शुरू हो रहा है, तो मैं फ्रेंड के घर में गया था, उनको कुछ प्लांट दिया, उन्होंने मुझे ये कटिंग दिया। तो लगा के देखते हैं ये अगर बचता है तो ठीक है, इसका अपडेट भी मैं दूंगा। तो आइए इसे कैसे लगाना है देख लेते हैं दोस्तों। पहला देखिए, एक कटिंग कभी भी मत लगाइएगा, तीन चार कटिंग लगाएगा, एक नहीं बचने पर दूसरा बच जाता है। ये देखिए ये थोड़ा सेमी हार्ड है, दूसरा वाला सॉफ्ट है और ये हार्ड कटिंग है। तो तीनों में ट्रायल करूंगा और तीनों में रूट हार्मोन का यूज करूंगा। तो शाम का टाइम है दोस्तों, ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए मेरा जो कालंचू का कटिंग लगाता हूँ वही जार के अंदर इसे मैं दे रहा हूँ। वहाँ पे मीडिया है मेरा, फाइन सैंड है और मॉइस्ट रखना है दोस्तों। ये ड्राई होगा तो कटिंग आपका सूख जाएगा और इसे इनडायरेक्ट लाइट में ही रखना है। डायरेक्ट लाइट कभी मत दीजिएगा कटिंग जब आप लगाते हो। तो रूट हार्मोन का मैं यूज किया हूँ कटिंग एड और रिजल्ट मैं दिखाऊंगा आपको, ये सक्सेस होगा या नहीं मुझे भी नहीं मालूम है। अगर बच जाता है तो बहुत अच्छा प्लांट मुझे मिल जाएगा। इसका फ्लावर देखिए दोस्तों, ये नहीं तोड़ा हूँ मैं और 10-15 दिन के बाद पता चल जाएगा ये कटिंग बचा है या नहीं बचा है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।